देखो अब क्या है, लेट मी स्टार्ट द ऑफर को एक बार फिर से पढ़ रहे अपन। ऑफर को लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, प्रपोजल बोलते हैं। ठीक है, प्रपोजल किसी को भी जाए तो वो एक्सेप्ट अगर हो गया तो प्रॉमिस बनता, प्रॉमिस के साथ कंसिडरेशन मिला दिए तो एग्रीमेंट बनता, एग्रीमेंट के एग्रीमेंट, साथ लॉ बना दिए तो कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनता। दिस इज वेरी गुड। ठीक है, लेकिन प्रपोजल भेजा पर में क्या गारंटी है एक्सेप्टेशन होता बोल के? हाँ, रिजेक्ट भी हो सकता। रिजेक्ट भी हो सकता। रिजेक्शन माने डिक्लाइन। किसी की दोस्ती रिजेक्ट करे कभी लाइफ में? किसी को रिजेक्ट हाँ करे, होता सर, कोई आके कुछ ये बोले, कुछ सर। आपको ऑफर करे, नहीं नहीं ठीक है बोल के आप उसको पोलाइटली बोल दिए थैंक यू वेरी मच बट आई एम नॉट हंग्री, तो रिजेक्ट हुआ नहीं हुआ? तो ऑफर एक्सेप्ट हो गया, प्रॉमिस कंसिडरेशन ये सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन अगर रिजेक्ट हो गया तो ऑफर क्या हो जाता? लैप्स, लैप्स ऑफ एन ऑफर, वो रिवोकेशन, वो हर चीज वो बाद में आती। सो वो के हो गया, हो गए बाद में वो रिवोकेशन होता हो। एंगेजमेंट अगर टूट गई तो वो रिवोकेशन होता, समझ आ रहा? अंगूठे दिए से वापस ले लिए अगर तो वो रिजेक्ट हो गया रिवोकेशन तो है। क्या बोलना सर? रिजेक्ट हो गया तो लैप्स हो गया बोलो। पहले लैप्स, पहले मोमेंट में ही अगर रिजेक्ट हो गया, फर्स्ट स्टेप में ही डिक्लाइन हो गया तो क्या हो जाता? वो लैप्स हो जाता, लैप्स। लैप्स ऑफ एन ऑफर। समझ में आ गया? यस और नो? सर, क्लियर है यस पॉइंट? सर, तो अब यस एक ही सर। तरीके से लॉ लैप्स नहीं होता, डिफरेंट तरीके है, देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच एन ऑफर कैन लैप्स। माने लैप्स माने कम्स टू एन एंड, कम्स टू एन एंड, समझ आ रहा? यस और नो? व्हाट डू यू मीन लैप्स? ऑफर इज रिजेक्टेड इन रिजेक्ट, फर्स्ट चांस ऑफ व्हेन एन द ऑफर इज एग्रीमेंट। रिजेक्टेड। और जैसा रिजेक्ट हो जाता तो क्या बन जाता वो? इट कम्स टू एन लैप्स एंड। एंड समझ आ गया? लैप्स माने इट कम्स टू एन एंड। क्लियर है पॉइंट? ये सब नो? सर, तो बहुत सारे तरीके हैं वो कैसा कैसा लैप्स हो सकता। ठीक है, एन ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड बिफोर इट लैप्सेस। अब कोई आपको को कुछ ऑफर करा, देन इट विल नॉट बी फॉर द होल टाइम अनलिमिटेड, नॉट विल बी फॉर द टाइम अनलिमिटेड। ठीक है, ये क्या रहता? एक टाइम लिमिट के लिए रहता, 1 महीने के अंदर बोलो जवाब दियो बोल के। अगर 1 महीने के लिए जवाब, 1 महीने के अंदर जवाब नहीं दिए, 15 दिन के अंदर जवाब नहीं दिए तो क्या हो जाता? वो लैप्स हो जाता। ठीक है, एन लैप्स, ऑफर शुड बी यस एक्सेप्टेड बिफोर इट लैप्सेस, ता क्यामत तक मैं रहता हूँ। इट विल नॉट द ऑफर विल नॉट बी फॉर टिल डूम्स डे, यू शुड एक्सेप्ट विद इन टाइम लिमिट। एन ऑफर मे कम टू एन एंड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज इन सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। समझ आ रहा? सो लैप्स ऑफ एन ऑफर कौन से सेक्शन में दिया हुआ है? याद है सेक्शन? आप भूल गए? कौन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में? एक्ट के सेक्शन में याद है? भूल गए? सेक्शन यस 1 क्या है? शॉर्ट टाइटल। सेक्शन 2 क्या है? इंटरप्रिटेशन। सेक्शन 3 क्या है? यस, सेक्शन 3 कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन। कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन। सेक्शन 4 क्या है?
Yes. Communication when accepted, I mean when complete. When complete, फाइ क्या है? हैं? रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स. एंड एक्सेप्टेंस, अगर टाइम लिमिट के अंडर एक्सेप्ट नहीं करे तो क्या हो जाता? ऑफर क्या हो जाता टाइम लिमिट के अंदर एक्सेप्ट नहीं करे तो? लैप्स उसी को क्या बोलते हैं? रिवोकेशन. रिवोकेशन. ठीक है, यस. एंड सेक्शन 6 इज रिवोकेशन हाउ मेड. रिवोकेशन हाउ मेड माने कैसा. ठीक है, रिवोकेशन हाउ यस मेड. क्लियर है पॉइंट ये दोनों? सर. तो अगर आपको कोई पूछे लैप्स ऑफ एन ऑफर मतलब क्या, ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड बिफोर द टाइम लिमिट देन द ऑफर विल लैप्सेस. ऑफर लैप्सेस दैट इज कम्स टू एन एंड. ठीक है, एन ऑफर में कम टू एन एंड इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे. तो सेक्शन 6 क्या बोल रहा हूँ, रिवोकेशन. रिवोकेशन को और क्या बोलते हैं, लैप्स ऑन ऑफर भी सेक्शन 6 में ही समझा रहा हूँ. ठीक है, डायरेक्टली रिवोकेशन हाउ मेड नहीं पूछता हूँ, लैप्स उल्टा इनडायरेक्टली पूछता हूँ. तो पहले क्या लिखना, द लैप्स ऑफ एन ऑफर इज एक्सप्लेन इन सेक्शन, द लैप्स ऑफ एन ऑफर इज रिवोकेशन हाउ मेड. ठीक है, द टर्म इज गिवन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. ये पहले आप वो रखना. ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यस सर. यस सर. नेक्स्ट, अब क्या क्या तरीके हैं लैप्स होने के. पहला तरीका क्या है? बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन माने आप एक प्रपोजल भेजे थे, आप इंतजार करे करे करे, जवाब नहीं आया तो क्या हो जाता, आप एक और एक भेजते कि भाई अब टाइम खत्म हो गया, अब आपके पास वक्त नहीं है भाई. ठीक है, उसके बाद भाई लैप्स ऑफ टाइम, टाइम खत्म हो गया ऑटोमेटिकली. अगर टाइम 3 महीने के अंदर जवाब दो, अदरवाइज विल थिंक दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड. टाइम खत्म हो गया, लैप्स ऑफ टाइम हो गया. थर्ड क्या है? थर्ड बाय क्या? फेलियर टू एक्सेप्ट कंडीशन प्रेसिडेंट प्रीसीडेंट माने कंडीशन लगा दिए, प्री प्री माने पहले पहले. पहले वाली. ठीक है, अब बोल दे भाई आप पहले देखो. फॉर एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट लोन देती है आपको. ठीक है, तो गवर्नमेंट जब लोन ले दो लोन देती तो उन्हें क्या बोलता आपको, अगर फॉर फॉर एग्जाम्पल छोड़ दो, गवर्नमेंट छोड़ दो, आप कोई जॉब को देख रहे, यू आर गोइंग फॉर ए जॉब. ठीक है, एक कंसल्टेंसी करने गए आप. अब कंसल्टेंसी बोलते भाई अगर आपको जॉब होना है ना तो पहली सैलरी डिपॉजिट करो तो हम आपको जॉब देते. थोड़े कंसल्टेंसी में ऐसे ही रहता, क्या बोलते, आपको जॉब पहले इंटरव्यू लेते, सब लेते, फिर जैसा आप सेलेक्ट हो गए बोल के बोल देते, लेकिन एक ऑफर दे देते, आपको जॉब चढ़ सकते, कल से ज्वाइन हो जाओ, लेकिन कंडीशन क्या है, पहले पहली सैलरी हमको डिपॉजिट करो, वो हम ना रख लेते. अगर आप राजी है तो क्या करते, डिपॉजिट कर देते पैसे. नहीं राजी है तो ऑफर भी खत्म हो जाता है. ठीक है, कोई स्टार्ट, कोई असल ऑफर स्टार्ट होने से पहले कुछ एक कंडीशन जो रख दी है उसको बोलते हैं प्रीसीडेंट. ठीक है, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर, जो ऑफर करा उसकी डेथ हो गई या पागल हो गया, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई. इंसैनिटी माने सोचने सलाहियत खत्म हो जाना. फिफ्थ वाला क्या है भाई, काउंटर ऑफर ऑफ द ऑफर. काउंटर ऑफर माने के जो ऑपोजिट पार्टी रहती है उन्हों भी खुद का एक डिमांड रखते और लोग कुछ नेगोशिएट करते. नेगोशिएशन. ठीक है, नेगोशिएट करते जिसको आप ऑफर करें. सिक्स क्या है,
बाई नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड. तो बाय नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, मतलब भाई मेरे को पसंद नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफर बोल के आप लिख के दे दिए या जवाब दे दिए इन अ यूजुअल मोड. ठीक, सिंपल एंड स्ट्रेट, नो कॉम्प्लेक्सिटी. सेवन, By rejection of offer by the offeree. बाय रिजेक्शन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरी, रिजेक्ट कर दिए. एट, Change in law. बाय चेंज इन लॉ, क्या है बाय चेंज इन लॉ, कानून ही चेंज हो गया तो क्या हो जाता. सो लैप्स ऑफ ऑफर कितने तरीकों से होता. रिवोकेशन, इट इज नथिंग बट क्या है इसका, ये टॉपिक का दूसरा नाम क्या है, लैप्स लैप्स ऑफ एन ऑफर का दूसरा नाम क्या है, ऑफिशियल नाम क्या है. रिवोकेशन और पूरा पूरा बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. रिवोकेशन हाउ मेड, मी या लैप्स ऑन ऑफर क्या है, रिवोकेशन हाउ मेड. ये मेरा अल्फाज नहीं है, ये कानून के अल्फाज है. ठीक है, अब वो ग्रामर क्या है वो अपने डाउट आता तो उनसे जाने की जरूरत नहीं है. रिवोकेशन हाउ मेड, रिवोकेशन कैसा करते. ठीक है, उसको जनरल लैंग्वेज में बोलते लैप्स ऑफ एन ऑफर. क्लियर है. यस सर. तो कितने तरीके से होता, आठ तरीके से रिवोकेशन हाउ मेड हो सकता. ठीक है, क्लियर है पॉइंट. यस सर. देखो सेक्शन, पहले विल गो टू द बेर एक्ट, जो कानूनी लैंग्वेज है वो आपको याद रहना. ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में लिखो. एज पर द कानून, एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, रिवोकेशन हाउ मेड के कितने तरीके हैं. फोर. फोर. ठीक है, आप जब आंसर लिख रहे हैं तो लिखना द रिवोकेशन हाउ मेड इज एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. एज पर सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, ए प्रपोजल इज रिवोक्ड, एन ऑफर इज रिवोक्ड बाय फोर मेथड्स. ऑफिशियली कितने हैं, चार मेथड्स. फोर. ठीक है, उसके बाद में वो एक्सप्लेनेशन दियो, 8 करो, 10 करो, 100 करो, डजंट मैटर. लेकिन कानून में कितने तरीके लिखे हुआ है, फोर फोर. बेर एक्ट में कितने लिखे हुए हैं, चार. ठीक है, फोर. क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट, अब यस क्लॉज सर. वन देखेंगे. बाय द, पहला क्या है, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय प्रोपोजर टू अदर पार्टी. तो सबसे पहला तरीका क्या है रिवोक करने का, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. समझ आ रहा. यस सर. तो पहला तरीका क्या है रिवोकेशन का, नोटिस बाय द नोटिस कम्युनिकेशन बाय नोटिस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. क्या है पहला तरीका, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस. ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोज, ये बट्टी मान लो. अगर आपको दूसरा कुछ भी नहीं लिखे लेकिन इतना लैंग्वेज लिख दे तो आपको फुल मार्क्स मिलते, इसको कुछ आप कोई कोई डाउट नहीं कर सकता, कम मार्क्स देने का सवाल ही नहीं है. क्या है, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द रिवोकेशन. अदर पार्टी. ठीक है, तो क्या है पहला तरीका, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन. बाय किसके बाद, बाय द प्रपोजल ऑफ द बाय द प्रपोजर टू द
अदर पार्टी जो प्रपोजल भेजा है उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजर बोलते हैं। जो ऑफर अगर भेजा है उसको बोलते हैं ऑफर, टू द अदर पार्टी कि भाई अब नहीं है, वैलिड नहीं है, थैंक यू वेरी मच, द ऑफर इज नॉट वैलिड, ऑफर अभी ऑफर खत्म हो गया बोल के भेजा देते। मैं वापस ले, रिवोकेशन माने वापस लेना, ठीक है? ऑफर क्या है? वापस लेने को क्या बोलते हैं? रिवोकेशन, ठीक है? समझ में आ गया पहला पॉइंट? हेलो, जी सर, सेकंड पॉइंट क्या है भाई? लैप्स ऑफ टाइम, प्रिस्क्राइब्ड इन लैप्स सच ऑफ द प्रपोजल टाइम। फॉर इट्स एक्सेप्टेंस, एक प्रपोजल भेजा है ये बोले के 15 दिन तक ये वैलिड है, ठीक है? 15 दिन के बाद ये खत्म हो जाता है, ठीक है? क्लियर है पॉइंट? यस सर, ओके। एंड इफ नो टाइम इज प्रिस्क्राइब, पहले तो क्या है, टाइम दे देते 15 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 1 साल, टाइम दे देते। अगर वो टाइम के बाद कुछ जवाब नहीं दिए तो प्रपोजल लैप्स हो जाता आपका, रिवोकेशन हो जाता। अगर टाइम नहीं दिए तो अगर टाइम नहीं दिए तो क्या करते? अगर टाइम दिए 15 दिन, 30 दिन, जवाब नहीं दिए तो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाता। अगर टाइम नहीं दिए तो तो खुद रिजेक्ट हो वही जाता। रीजनेबल टाइम समझना पड़ता, ठीक है? इफ ओके, नो टाइम इज सो प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम विदाउट कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस, ठीक है? क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में ये पूछते, ठीक है? 18 इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 जबरदस्त पढ़ लिए, और पढ़ लिए, ठीक है? ऑफर कैसा लैप्स होता, ऐसा हो जाता। अगर टाइम नहीं दिए तो क्या देते जवाब? रीजनेबल टाइम मतलब आपको प्रपोजल चले गया था, कोई कोई चीज को डिसाइड करने का रीजनेबल टाइम, डिसाइड करने के टाइम को क्या बोलते हैं? रीजनेबल बोलते, ठीक है? 1-3 महीने बसने होते क्या? 15-20 दिन बसने होते क्या? जितना एक नॉर्मल टाइम लेता आदमी डिसाइड करने के लिए कोई भी चीज, उसको बोलते हैं रीजनेबल टाइम रीजनेबल विदाउट टाइम। कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस। तो जब भी क्या हो जाता? रिवोकेशन ऑफ द ऑफर हो जाता, ठीक है? बाय द यस, फेल्यूर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल ए कंडीशन प्रिसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। तो अगर पहले कोई कंडीशन लग दिए, अगर एक्सेप्ट करना तो पहले ये काम करो, तो वो अगर वो काम नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? रिवोकेशन हो जाता, ठीक है? लास्ट क्या है? बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। डेथ माने व्हाट इज द डेथ? मर जाना। मर जाना, एक्सपायर हो जाना। इंसैनिटी मतलब पागल हो जाना, क्या है? अच्छा, पागल होना, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाना, बोलते खत्म हो इंसैनिटी। जाना। द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस, मतलब डेथ और इंसैनिटी ऑफ द पर्सन इज द, अब ये डेथ इंस्टेंटली नहीं हो जाता, इट विल नॉट बिकम इंस्टेंटली। अगर डेथ हुई, अगर कोई कोई आपको एक्सेप्टेंस भेजे, अगर एक्सेप्ट करने से पहले वो आदमी की डेथ हो गई या पागल हो गया बोल के मालूम हो गया एक्सेप्ट करने से पहले, तो वो क्या ऑफर क्या होता? रिवोक हो जाता, ठीक है? समझ आ गया? यस ये सर, सब यस सर, मालूम होना एक्सेप्टर को कि भाई डेथ हो गई और इंसैनिटी हो गई बोल, बिफोर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करने से पहले मालूम होना, ठीक है? अब देखो, फॉर यस एग्जाम्पल, सर, अगर इसका मैं एग्जाम्पल दिया आपको, आज क्या तारीख है? 31st थर्टी ऑफ अक्टूबर फर्स्ट अक्टूबर अक्टूबर ए क्या करा? 1 नवंबर को एक ऑफर भिजाया बी को, ठीक है? यस सर, अब
ये बता दिए कि 1 दिसंबर से पहले आप मेरे को जवाब दियो, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली 30 नवंबर को एक ही डेथ हो, 30 नंबर क्या हो गई, एक ही एक ही डेथ हो गई। डेथ हो गई। एक्सेप्टेंस कब भिजाना था, पूरा टाइम कितना था, 30 नवंबर तक सुकून से सोचो बोले थे, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, फर्स्ट को बोल दो 1 दिसंबर को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 नवंबर को क्या हो गया, एक ही डेथ हो गई। डेथ अब शाम में मालूम हुआ, 30 को मालूम हुआ कि एक गुजर गए बोल। अब वो बिफोर एक्सेप्टेंस हुआ या आफ्टर एक्सेप्टेंस हुआ, बिफोर बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हुआ, ठीक है। रजामंदी देने से पहले अगर मालूम होगा कि जो डेथ हो गई। ऑफर भेजा है उन्हें डेथ हो गई या पागल हो गए बोले, तो वो ऑफर क्या हो जाता, रिवोक हो जाता, वो खुद प्रपोजल क्या हो ने जाता, रिवोक। रिवोक हो जाता। समझ में आ गया, तो इट इज रिवोकेशन हाउ मेड, क्लियर पॉइंट, यस यस और सर, नो। तब उसके बाद में यस ये सर। उसके बाद में ये जनरल चीजा है। अब नेक्स्ट देखो, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। मैं आपको आज सिर्फ क्या है, आई एम जस्ट गिविंग यू द यस सर। बेसिक। देखो एक और एक है, वी हैव 6 मिनट्स रिमेनिंग इन आवर फर्स्ट सेशन, सो वी डू दिस स्मॉल पार्ट, ठीक है। कैपेसिटी टू ओके कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, लाइक हु कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। मुआहिदा 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 करने की काबिलियत, ठीक है। एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं, मुआहिदा बोलते हैं। एग्रीमेंट करने की काबिलियत, कॉन्ट्रैक्ट करने की काबिलियत, इसको बोलते हैं कैपेसिटी, ठीक है। अब कौन नहीं कर सकते, हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड हु इज नॉट ऑफ साउंड माइंड। माइनर अनसाउंड माइंड और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ, ठीक है। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ, माइनर लेस देन 18। अब अनसाउंड माइंड में क्या क्या है, तीन तरीके हैं अनसाउंड माइंड, क्या क्या है, एक लुनाटिक, लोनेटिक एक इडियट, इडियट एक ड्रंकेनाइंड इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड। माने शराब के नशे में धुत है या उस नशे में है। इंटॉक्सिनेटेड अनसाउंड माइंड का कौन से तरीके से हो सकते हैं, एक तो लुनेटिक पागल, लुनेटिक एक पागल इडियट, बेवकूफ। इडियट लुनेटिक बोले तो पागल, इडियट यू माने बेवकूफ, ड्रंकन एंड पागल इंटॉक्सिकेटेड, एंड इंटॉक्सिकेटेड, ठीक है। अब पर्सन एलियन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ क्या क्या आता, एलियन एनिमी, एलियन एनिमी किसको बोलते हैं, अपने अपने दोस्त, अपने जो अदर कंट्रीज है, एक दोस्त कंट्रीज रहते, एक दुश्मन कंट्रीज रहते। फॉर एग्जाम्पल अवर नेबर पाकिस्तान, पाकिस्तान क्या है, इट इज ए व्हाट, इट इज एन एलियन, फ्रेंडली एलियन या एनिमी एलियन, फ्रेंडली पाकिस्तान बोलो मैं, एनिमी पाकिस्तान एनिमी एनिमी एलियन, ठीक है। द अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर स्पेसिफिकली लिखे हुआ है कि भाई आप एनिमी एलियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो क्या है वो, एलियन एनिमी। जो जो कंट्रीज के साथ अपनी दुश्मनी है वो सिटीजन्स के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो लोग सिटीजन्स क्या बोलते हैं, आप एलियन एनिमी बोलते, ठीक है। एलियन एनिमी एलियन एलियन भी दो तरीके से रहते, एक फ्रेंडली एलियन रहता है, एक एनिमी एलियन रहता है।
एनिमी एनिमी एलियन से साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कानून में अगर लिख दिया तो ठीक है। फिर एक फॉरेन सॉवरन मतलब हु आर वी, ए प्राइवेट सिटीजन है, आप डायरेक्टली जाके गवर्नमेंट ऑफ कोई अदर कंट्रीज के साथ डायरेक्ट वो नहीं कर सकते आप। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रहना, प्राइवेट टू प्राइवेट रहना। सॉवरन माने किंग, गवर्नमेंट को बोलते सॉवरन ठीक है। एक कन्विक्ट माने जिसका गुना साबित हो गया उसको बोलते हैं कन्विक्ट बाय कोर्ट ऑफ लॉ। थर्ड कन्विक्ट क्या है, कॉर्पोरेशन और कंपनी, कॉर्पोरेशन और कंपनी ठीक कंपनी है। डायरेक्टली जाके आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते अगर वो कंपनी ब्लैकलिस्टेड है। एक इंसॉल्वेंट, व्हाट इज ना इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट किसको बोलते हैं, हुज लायबिलिटीज, हुज लायबिलिटीज आर वेरी 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 ग्रेटर देन एसेट्स, जो अपने कर्जे चुकाने के लायक नहीं रहा उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट ठीक है। इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट, सॉल्वेंट माने घुल जाना, इंसॉल्वेंट माने नहीं घुलना, समझ रहा। इंसॉल्वेंट जो अपने खुद कर्जे देने के इसे लायक, वापस करने के लायक नहीं रहा वो आदमी, तो बोलते हैं इंसॉल्वेंट ठीक है। इसे सुनो, यस सर ओके सो उसका क्या है, ये आपके हेडिंग्स हो गए थे। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट माइनर है ना, पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट मोस्ट कंफ्यूजिंग चीज जो रहती है ना, क्या माइनर लेस देन 18 है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता नहीं कर सकता ठीक है। ये बहुत ही फेमस यस केस है, मोहरी बीबी वर्सेस दामोदर घोष, धर्मोदर धर्मोदास घोष, बहुत ही फेमस केस है ये, आपको याद रहे जैसा इससे पहले पढ़े थे कुछ केस लॉस पढ़े थे ना, कौन से केस लॉस पढ़े थे, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट में, थंडर सन जोन वर्सेस स्टीवनसन, डार्लिंपल और वर्सेस डार्लिंपल, टॉनी सिम्सकन, और यस्टरडे आल्सो आई थिंक, इससे पहले बनवाया। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर जैसा फेमस केस है ना, हाँ वैसी मोहरी बीबी, ये भी क्वेश्चन आया था, मोहरी बीबी और दामोदर घोष को क्या रिलेटेड है वो ठीक है, इसे क्या रिलेटेड है। सो विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन आफ्टर 1 मिनट, अपना प्री सेशन खत्म हो रहा है इधर, सो लेट अस जस्ट लॉग इन आफ्टर 1 मिनट ठीक है, 1 और 2 मिनट्स में लॉग इन करिए। आई एम एंडिंग दिस सेशन नाउ, नेक्स्ट आफ्टर दैट विल स्टडी ओके अबाउट माइनर पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय माइनर, क्लियर है पॉइंट, यस सर 2 मिनट के बाद फिर से लॉग इन करिए।